नमस्कार, मंडी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए मार्केट में कमाई के मौके कहां पर हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1803545। साथ ही आप 01204258237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट में किस तरह का एक्शन इवनिंग ट्रेड में देखने को मिल रहा है, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज दिन भर चांदी में गिरावट देखने को मिली है और गोल्ड की कीमतों पर भी दबाव है। फिलहाल करीब 11 रुपए की नरमी है एमसीएक्स पर गोल्ड में, और सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर करीब 1150 रुपए की तेज गिरावट आई है। 47,000 के आसपास एमसीएक्स पर चांदी में ट्रेड हो रहा है। इन सब के अलावा अगर बात करें कच्चे तेल की तो यहाँ पर करीब 1.5% की नरमी है, 3227 का लेवल दिख रहा है, 49 रुपए नीचे है। नेचुरल गैस में करीब 1% की गिरावट, 194 के नीचे एमसीएक्स पर नेचुरल गैस में ट्रेडिंग होती हुई दिख रही है। इन सब के अलावा अगर बात करें मेटल मार्केट की तो मेटल मार्केट में कॉपर का भाव करीब 0.5% नीचे है, 331 के आसपास एमसीएक्स पर कॉपर में ट्रेड हो रहा है। निकिल में करीब 0.25% की मजबूती है और जिंक में करीब 25 पैसे की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है, 143 के आसपास है एमसीएक्स पर जिंक का भाव। और ग्वार सीड जुलाई वायदा काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी के साथ आज बंद हुआ है, 4% ऊपर, और ग्वारगम में भी करीब 4% की तेज़ी आई है। इन सब के अलावा अगर बात करें चने की तो यहां पर 54 रुपये की नरमी है, और गेहूँ जुलाई वायदा 2 रुपये नीचे 1752 के स्तर पर। तो यह है मार्केट का ताज़ा हाल। लेकिन अब आपको बताते हैं बम्पर कॉल, तीन ऐसी कौन सी बम्पर कॉल होंगी इंट्राडे में आज शाम के कारोबार में जहां पर आपको सबसे ज्यादा मुनाफा मिलने वाला है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली कॉल है आई ग्रू की गोल्ड, 31,850 के स्तर पर बिकवाली की रहा है, लक्ष्य होगा 31,630 का, 31,970 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल कॉपर 333 के स्तर पर बिकवाली करें 327 के टारगेट के लिए। और आखिरी कॉल आज की बम्पर कॉल नेचुरल गैस मनीलिशियस की 200 के भाव पर बिकवाली की राय दी गई है 194 के टारगेट के लिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल हैं जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं चांदी की ही। हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ शिव श्रीवास्तव हैं आई ग्रू के MD नोएडा स्टूडियो से, और साथ ही हमारे साथ जयप्रकाश गुप्ता हैं मनीलिशियस के डायरेक्टर मुंबई से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जयप्रकाश, पहला सवाल आपसे ये कि चांदी में जो गिरावट आई है ये प्रॉफिट बुकिंग है या फिर नरमी की शुरुआत? नहीं, मुझे लगता है ये प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि जिस हिसाब से करीब 10% की बढ़ोतरी हफ्ते भर में देखने को मिली थी उसके बाद ये प्रॉफिट टेकिंग ही इसे कहा जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें ब्रेग्जिट को लेके जो समस्याएं हैं वो खत्म नहीं हुई हैं ब्रेग्जिट के बाद, मुझे लगता है अनसर्टेनिटी का माहौल अभी भी कुछ दिनों तक बना रहेगा, तो जिसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस दोनों को ही मिलेगा। जहां तक लेवल्स की बात है, 47,000 के आसपास बाई किया जा सकता है MCX पे, 46,500 का स्टॉप लॉस रखें, और मुझे लगता है 48,000 का लेवल है वो फिर से एक बार टच हो सकता है। इंटरनेशनल प्राइसेस पे अगर बात की जाए तो 19.80 एक काफ़ी अहम लेवल है, मार्केट अगर उसके ऊपर क्लोज देता है तो चांसेस बहुत ब्राइट हैं कि आने वाले दिनों में ये $21 तक का लेवल भी देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए हमारे साथ अब कॉलर जुड़े हैं, मनीष हैं रोहतक से, जिंक के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए मनीष। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। मनीष बात कर रहा हूँ सर, मेरे जिंक सर तीन लोट बाय है 145 से, क्या करना चाहिए? 145 पे तीन लोट बाय है, शिव क्या सलाह होगी आपकी इनके लिए? अगर जिंक की बात की जाए तो हमने इसमें काफी अच्छी तेजी देखी है, लेकिन मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा इसका तेजी का सिलसिला थमना चाहिए, ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। ठीक है, आपने 145 के लेवल पे बाय किया है, मुझे थोड़ा डाउट है कि आने वाले समय में 145 का लेवल एक बार देखने को जरूर मिल सकता है, लेकिन उससे ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा। मेरी राय में आप 41 का स्टॉप लॉस लगा के अभी अपनी पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ विक्रम है, चने पर इनका सवाल है, पूछिए विक्रम। विक्रम टीवी का वॉल्यूम कम करिए फिर सवाल पूछिए प्लीज। विक्रम आपको आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है, मैं कह रहा हूँ तो नहीं हमने। चलिए ठीक है, चने के बारे में आप जानना चाहते हैं, और चने के बारे में आपको बताएं कि एक महत्वपूर्ण खबर है आज चने के ऊपर
चने दाल की कीमतें हर रोज तेजी का नया रिकॉर्ड बना रही हैं। उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक महीने में चने दाल की कीमतों में करीब 43% की तेजी आई है और दाम रिटेल में जो दाम है चने के वो 70 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। वहीं बाजार में अगर चने दाल की बात करें तो इसके मुकाबले भी कहीं ज्यादा भाव देखने को मिलते हैं और 110 रुपये प्रति किलो तक भी भाव पहुंच गया है। दालों की बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर दालों का इम्पोर्ट किया है लेकिन उसका अब तक कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिखा है। चने के वायदा कारोबार पर रोक भी लगाई गई थी लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ और सूत्रों से हमें जानकारी मिल पा रही है कि दाल के जो कारोबारी हैं उनके साथ रामविलास पासवान ने उनकी बैठक भी बुलाई है इस मुद्दे पर। शिव, क्या कमेंट होगा आपका दाल कीमतों के ऊपर? देखिए, बहुत ही तेजी हमने देखने को मिली है, खास करके चने की बात की जाए, बाकी दालों में उतनी तेजी नहीं है लेकिन चने की कीमतों में बाकी एक देखा जा चुकी है। एनसीडेक्स पे भी इसके में कोई नई पोजीशन नहीं ले जा सकती तो मुझे लगता है कि आने अभी कुछ दिनों तक, इस सप्ताह तक ये तेजी कायम रह सकती है। लेकिन जिस तरह सरकार ने सारे स्टेप्स उठाए हैं और जो इम्पोर्ट हो रहा है तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसकी कीमतों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब अगले कॉलर हमारे साथ अमित हैं गंगानगर से, क्रूड ऑयल के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए अमित। सर, क्रूड ऑयल डाउन साइड में इंट्राडे में कहां तक देखने को मिल सकता है? डाउन साइड में क्रूड कहां तक दिख सकता है, क्या कमेंट है आपका जयप्रकाश? आज आप मार्केट का बॉटम कहां देख रहे हैं क्रूड का? देखिए, क्रूड पिछले कुछ दिनों से एक दायरे में फंसा हुआ है, $50 से लेके $46 का। अभी जो ट्रेंड है मुझे लगता है ये डाउन ट्रेंड आगे चल के एक दो दिनों तक और रह सकता है। 3150-3140 तक का लेवल है जो एक्सपेक्ट किया जा सकता है एक से दो दिनों का नज़रिया रखे तो। कोई भी उछाल मिले अभी फिलहाल सेलिंग की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढे। $46 के आसपास ये WTI में आता है तो वहाँ पे एक बार ट्रेंड रिवर्सल शायद हो सकता है और बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, शुभम है इंदौर से और इनका सवाल चांदी के ऊपर है, पूछिए शुभम। आप सुन पा रहे हैं शुभम? हेलो जी, पूछे। तो सर, मेरे को अभी जैसे ग्रोअप तो है जैसे इसमें जो बाय प्राइस में, लेकिन इसमें और अभी मेरे को प्रॉफिट और थोड़ा गेन करना, तो क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए कि सेल करना चाहिए? क्या करना चाहिए शिव चांदी में अभी? अगर इंट्राडे की बात की जाए तो मेरे विचार से बिल्कुल सेल करके चलना चाहिए। काफ़ी हमने कल भी तेजी देखी है और मुझे लगता है कि आज शाम को प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। तो इंट्राडे की बात की जाए तो यहाँ से अगर 200-300 का भी स्पाइक मिले सेल करके चलना चाहिए। मुझे लगता है शाम के समय में प्रॉफिट बुकिंग और भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अगले कॉलर हमारे साथ कुलविंदर हैं भटिंडा से, ग्वार के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए कुलविंदर। टीवी का वॉल्यूम कम करिए सर प्लीज, तब सवाल पूछिए। सर, ग्वार के बारे में पूछना चाहता हूँ। ठीक है, ग्वार का आउटलुक आप शिफ्ट क्या देख रहे हैं? आज बाजार में जोरदार तेजी आई है, करीब 4% ऊपर मार्केट बंद हुआ है, जबकि मानसून के मोर्चे पर अच्छी खबरें हैं। जी बिल्कुल, मानसून के मोर्चे पे अच्छी खबरें हैं लेकिन बुआई के जो आंकड़े हैं वो उत्साहवर्धक नहीं है और हमने देखा है कि इसकी बुआई भी, जो अभी तक की बुआई के आंकड़े हैं वो अच्छे नहीं है। इस कारण हमने देखा है कि इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख बना है। अगर आने वाले सप्ताह की बात की जाए तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी तेजी थोड़ी कंटिन्यू और रह सकती है और यहाँ से 200 रुपये से लेकर 300 रुपये तक के भाव हमें और भी तेज देखने को मिल सकते हैं। आने वाले समय में मानसून की दिशा है उसका भाव तय करेगी। ठीक है, अंशुल हैं MP से, कोरिएंडर के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए अंशुल। हेलो जी, पूछें। मेरे पास फिजिकल में 100 बोरी धनिया है, मैं एक किसान हूँ। ठीक है, ठीक है, ऊपर ही मैं भाव क्या भाव में क्या शिव, क्या कोरिएंडर की कीमतों में आपको आगे तेजी दिख रही है? अगर 10 से 15 दिन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि 200-300 रुपये की तेजी हमें देखने को मिल सकती है लेकिन बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूँ इससे ज्यादा आने वाले 10 दिनों में। ठीक है, और मानसून को लेकर लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं, मानसून में तेज रिकवरी हुई है और मानसून का डेफिसिट अब घट के 2% के स्तर पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि उत्तर पश्चिम में 2% ज़्यादा बारिश थी 1 से 28 जून के बीच, जो अब बढ़ के 16% ज़्यादा हो गई है, तो तेज़ रिकवरी मानसून के मोर्चे पर दिखी है। 23% का डेफिसिट था मानसून में मध्य भारत में, जो अब महज 3% रह गया है, तो काफ़ी अच्छी रिकवरी सेंट्रल इंडिया में भी देखने को मिली है और सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन मध्य भारत में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, तो उस लिहाज से ये अच्छी खबर है। दक्षिण भारत में 16% ज़्यादा बारिश थी 28 जून तक और अब ये बढ़ के 18% हो गई है, यानी मानसून की रफ्तार देश के
सभी हिस्सों में बेहतर हो रही है और उसका इम्पैक्ट अब आपको आने वाले समय में खरीफ की बुआई पर दिख सकता है। पूर्वी भारत में डेफिसिट 26% से घटकर अब महज 20% रह गया है और मौसम विभाग का ये अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में और अच्छी बारिश हो सकती है। तो अच्छी खबरें हैं मानसून को लेकर। शिव, क्या आपको लगता है कि अब एग्री मार्केट में काफी सावधानी से ट्रेड करना चाहिए? जी, जिस तरह से हमने देखा है कि मानसून की प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी निकल रही है और ख़ास करके देखा जाए तो मध्य भारत में अच्छी बरसात हुई है, तो मुझे लगता है जैसे जैसे उत्तर भारत और पूर्वी भारत की तरफ इसका ये बढ़ेगा तो उस और भी ज़्यादा इसमें देख सकते हैं, जो खरीफ की बुआई है उसमें और भी ज़्यादा तेज़ी देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ NCDEX पे जो भी एग्री कमोडिटीज़ है उनकी कीमतों में भी फिर से गिरावट का रुख एक बार देखने को मिल सकता है। अगले कॉलर हमारे साथ संजय हैं बीकानेर से, ग्वार पर इनका सवाल है, पूछिए संजय। हेलो सर जी, पूछें। सर मेरा नाम अजय मेमानी है, संजय नहीं है सर। ठीक है अजय, हाँ अजय बताएं। सर जैसे हमारे यहाँ अभी नहरों में भी पानी नहीं है और डैम में भी पानी नहीं है बिल्कुल भी, समझ लो। और बरसात यहाँ नाम मात्र हो रही है। हाँ। और ग्वार की बिजाई बिल्कुल ही कम है, हरियाणा पंजाब में भी राजस्थान में भी। हाँ। तो सर जितनी स्पीड से इसके भाव बढ़ने चाहिए वो तो नहीं बढ़ रहे हैं। नहीं, भाव तो आज भी 4% बढ़े हैं सर। 4% तो बड़ी है सर, 4% बढ़े हैं और आगे अब बाजार की पूरी चाल मानसून के ऊपर निर्भर करेगी। देखना होगा कि राजस्थान जो कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वहां पर आने वाले समय में मानसून की चाल क्या रहती है, उसके बाद बाजार की तस्वीर एक बार फिर से बदल सकती है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ शशांक है दिल्ली से, चांदी पर इनका सवाल है, पूछिए शशांक। हेलो जी, पूछें। हाँ जी सर, शशांक बोल रहा हूँ दिल्ली से। मेरा सवाल सर सिल्वर पे था सर, मैंने बाय किया है कल एक लॉट 48,800 पे सर, तो क्या 48,800 के स्तर पर आपकी बाइंग है चांदी में, जयप्रकाश क्या करना चाहिए इनको? आपने ऑलमोस्ट पीक प्राइस पे बाई किया है, मुझे लगता है 47,000 के आसपास अगर आप पोजीशन एक एवरेज कर सकते हैं तो कर लें, और 46,500 का ओवरऑल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें अपने पोजीशन पे और बने रहें। मुझे लगता है एक से दो दिनों में आपको 48,000 का लेवल फिर से टेस्ट हो सकता है। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ राकेश हैं दिल्ली से, गोल्ड और सिल्वर के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए राकेश। हेलो जी, पूछें। हाँ सर, मुझे गोल्ड सिल्वर में पूछना था कि लास्ट 3 मंथ्स में क्या रहेगा? 3 महीने में गोल्ड और सिल्वर का भाव क्या रह सकता है शिव? देखिए, जिस तरह से हमने वोलेटिलिटी देखी है खास करके ब्रेक्जिट के बाद गोल्ड और सिल्वर में, तो ये बता पाना बिल्कुल अभी थोड़ा सा मुश्किल है आने वाले 3 महीनों के लिए। लेकिन अगर महीने देखिए आउटलुक की बात की जाए तो मुझे लगता है कि गोल्ड एक बार फिर से 32,000 के ऊपर लेवल को टच कर सकता है, लेकिन वहां से फिर हमें थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर सिल्वर की बात की जाए तो 1 महीने के अंदर मुझे लगता है 48,000 से 48,500 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। पवन है यूपी से और मेंथा ऑयल पर इनका सवाल है, पूछिए पवन। भाई साहब, मेहंदा ऑयल जो है 832 रुपए का जोलाई ले रखा है, 832 के 2 लॉट जोलाई ले रखी है, अब नीचे में क्या ऐसे लगा दिया जाए हमें, जो जोलाई में हाई रेंज क्या मिल सकती है हमें ज्यादा से ज्यादा, ये बताइए आप जो। ठीक है शिव, बताएं। अगर मेंथा की बात की जाए तो मुझे लगता है जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में 880 के तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। संजय है नीमच से और इनका सवाल सोयाबीन के ऊपर है, पूछिए संजय। हेलो जी, पूछिए। सोयाबीन का आउटलुक शिव आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि मानसून बढ़ रहा है और अगले 3 से 4 दिन में मध्य भारत में और अच्छी बारिश की उम्मीद जताई गई है, क्या आपको लगता है इसका इम्पैक्ट दिखेगा सोयाबीन के ऊपर? अगर सोयाबीन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत इसमें उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहेगा। अगर रेंज की बात की जाए तो मुझे लगता है 3,600 से लेकर 3,900 तक का रेंज देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ सुरेंद्र हैं राजस्थान से, कॉटन पर सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए सर। सुरेंद्र जी पूछिए, टीवी का वॉल्यूम कम करिए, सवाल पूछिए सर। सर कॉटन पे पूछना चाहते हो आगे के लिए, कॉटन का आउटलुक आप जानना चाहते हैं शिव, बताइए।
अगर कॉटन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि अभी इसमें तेजी का सिलसिला कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां अपने देश में कम इसके कम बुआई के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, वहां हमने देखा है विदेशों में भी इसकी अच्छी डिमांड है, और खास करके जो पाकिस्तान में भी इसकी कम बुआई के आंकड़े निकल कर आए हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कॉटन में तेजी बनी रह सकती है और 21,400 तक का लेवल आने वाले 15 दिनों में देख सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ बाबूलाल हैं पाली से, और जीरे के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए बाबूलाल। नमस्कार, पूछिए। सर मैं किसान हूँ, मेरे पास जीरा और ग्वार पड़ा है, और सर एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, अब की बार हमने जो ग्वार बिल्कुल बोया ही नहीं है साहब, और ग्वार की भाव ठीक है, ठीक है, जीरा और ग्वार पर आउटलुक, ग्वार पर तो आपने बताया था, लेकिन जीरे के ऊपर क्या आउटलुक है शिव? अगर जीरे की बात की जाए तो मुझे लगता है कि अभी इसमें तेजी और भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमने देखा है मांग अच्छी निकल कर आ रही है। आने वाले 15 दिन के आउटलुक की बात की जाए तो मुझे लगता है 18,000 से लेकर 18,500 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, मेटल काउंटर पर आज के लिए आपकी टॉपिक क्या होगी जयप्रकाश गुप्ता? देखिए कॉपर मुझे लगता है बाई किया जा सकता है 331 के आसपास, 328 का स्टॉप लॉस लगा के 336 के टारगेट के लिए। ओवरऑल थोड़ा सा बेस मेटल्स में आज नरमी है, बट मुझे लगता है फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है, तो हो सकता है इवनिंग सेशन या कल तक फिर से रिबाउंड देखने को मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे साथ राजपाल हैं हरियाणा से, कॉटन पर इनका सवाल है, पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। मुझे कॉटन के बारे में पूछना है, कॉटन के बारे में, ठीक है, क्या कहेंगे कॉटन के बारे में आप शिव? जैसा मैंने पहले बताया कि अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कॉटन की कीमतों में तेजी का रुख बन सकता है, देश के साथ साथ बाहर भी हमने देखा है कि इसके बुआई के जो रकबे है उसमें कमी आई है, तो मेरी राय में कॉटन में भी आने वाले दिनों में तेजी का सिलसिला बना रहा है। ठीक है, जयप्रकाश गुप्ता आपका व्यू नेचुरल गैस के ऊपर क्या है? इस काउंटर में इंट्राडे में अगर ट्रेड करना हो तो क्या करना चाहिए? देखिए 200 का लेवल ऑलमोस्ट टच हो चुका है, और आज इंटरनेशनल मार्केट्स में भी प्राइस में करेक्शन है, तो मुझे लगता है कि 200 के आसपास लेवल सस्टेनेबल नहीं है, तो इवनिंग सेशन में अगर कोई बाउंस मिलता है 197-198 पे तो बिकवाली करके जा सकते हैं, 184-185 का टारगेट ले देखने को मिल सकता है, 203 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पोजीशन पे जरूर होना ठीक चाहिए। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ विपिन है भिवानी से, गोल्ड पर पूछना चाहते हैं, पूछिए विपिन। विपिन आप सुन पा रहे हैं? लगता है इन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हेलो जी विपिन, पूछिए। हाँ जी, हाँ जी सर, ये करंट लेवल से 750 से मैंने एक लॉट सेल किया है। ठीक है, 31,750 के स्तर पर आपने गोल्ड में बिकवाली की है, क्या सलाह है आपकी जयप्रकाश इनके लिए? देखिए मौजूदा लेवल से हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिले, बट अगर ये 50-60 रुपए करेक्ट करता है तो मेरे ख्याल से आप शॉर्ट से एग्जिट हो जाइए, बाई साइड में रहना थोड़ा प्रेफरेबल है। 31,680 से 660 पे मैं बाई की सलाह दूंगा, 560 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें और 800 के ऊपर का टारगेट लेके चल सकते हैं। ओके ठीक है, करेंसी मार्केट पर आपका क्या व्यू होगा? क्योंकि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर बास्केट ऑफ करेंसीज के मुकाबले कमजोर हुआ है, ओवरऑल रुपए की चाल आप आगे क्या देख पा रहे हैं? देखिए जहाँ तक रुपए की बात है, डोमेस्टिक फंडामेंटल स्ट्रांग है, यहाँ पे अच्छे मॉनसून और जिस हिसाब से रिफॉर्म मेजर्स लिए जा रहे हैं, और ब्रेक्जिट के बाद भी जिस हिसाब से डोमेस्टिक इंडियन मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है इक्विटी साइड में, तो ये एक संकेत है कि यहाँ पे रुपए में आगे चल के भी स्ट्रेंथ रह सकता है। हालांकि कल मार्केट बंद है, इसके लिए आज थोड़ी सी नरमी देखी गई है, बट मुझे लगता है आगे चल के यहाँ पे स्ट्रेंथ कायम रह सकता है, और 66-80 तक का लेवल मुझे लगता है इस वीक में देखने को मिल सकता है। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड। शिव आपकी पहली कॉल क्या होगी? गोल्ड 31,850 पर सेल करके चल सकते हैं, 31,970 का स्टॉप लॉस, 31,630 का टारगेट। आपकी कॉल जयप्रकाश। क्रूड ऑयल यहाँ पे 3235-40 के आसपास बिकवाली की जा सकती है, 3260 का स्टॉप लॉस रखें और 3180 का टारगेट। आपकी आखिरी कॉल शिव। 334 के लेवल पे कॉपर सेल करके चल सकते हैं, 337 का स्टॉप लॉस, 328 का टारगेट।
बहुत बहुत शुक्रिया शिव आपका और जयप्रकाश गुप्ता आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए।